दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आप केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आईएसएल 5 सूर्य का नया वीडियो लेकर और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आईएसएल 5 का सेकंड मैच जो चेन्नई एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच होने वाला है उस मैच के बारे में। उस मैच का रिव्यू दूंगा, क्या हो सकता है इस मैच पे, प्लेइंग 11 भी बताऊंगा। तो जाने के वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों 30 सितंबर आईएसएल 5 का सेकंड मैच चेन्नई एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी जो मैच होने वाला है बेंगलुरु के श्री कंठरवा स्टेडियम पर। तो दोस्तों चेन्नई एफसी बाहर जाकर यह मैच खेलने वाला है। तो चलिए मैं आपको फटाफट दोनों टीमों का क्या प्लेइंग 11 हो सकता है इस मैच के लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही दो वीडियो दिया था चेन्नई एफसी और बेंगलुरु एफसी के प्लेइंग 11 के बारे में, तो उनका प्लेइंग 11 फर्स्ट मैच पे ऐसा ही रहने वाला है, मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको और एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों चेन्नई एफसी के गोलकीपर की पोजीशन पर रहेगा करणजीत सिंह, उसके बाद राइट बैक पर रहेगा इनिगो कैलडरन, सेंटर बैक पर मेलसन अल्वेस और एलिसविया, लेफ्ट बैक पर जेडी, उसके बाद बैक फोर में रहेगा जर्मनप्रीत और उनके साथ अनिरुद्ध थापा। अगर अप फ्रंट की बात करें तो सेंटर मिडफील्ड पर आपको मिल जाएगा राफेल ऑगस्टो, उसके बाद राइट विंग पर फ्रांसिस्को फर्नांडेज, लेफ्ट विंग पर ग्रेगोरी नेल्सन और स्ट्राइकर के पोजीशन पर जे जे। उसके बाद अगर बेंगलुरु एफसी की बात करें तो बेंगलुरु एफसी के गोलकीपर रहेगा गुरप्रीत सिंह संधु, उसके बाद राइट बैक पर रिनो एंटो, सेंटर बैक पर जुआनन और राहुल बे के, लेफ्ट बैक पर रहेगा निशु कुमार। मिडफील्ड की बात करें तो डिफेंसिव मिडफील्ड पर एरिक पर्टेलू रहेगा, उसके बाद सेंटर मिडफील्ड पे रहेगा जिसको हर्नांडेज और दिमास डेलगाडो, राइट विंग पर उदंत सिंह, लेफ्ट विंग पर सुनील छेत्री और स्ट्राइकर के पोजीशन पर रहेगा मिकू। तो दोस्तों ये तो गया दोनों टीमों का प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। चलिए आप बात कर लेते हैं इस मैच में कौन जीत सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों आईएसएल 5 का सेकंड मैच जो है चेन्नई एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी, इस मैच का राइवलरी शुरू हुआ था पिछले साल के फाइनल में जहां पर चेन्नई एफसी ने बेंगलुरु एफसी को हराकर टाइटल उठा लिया था। तो दोस्तों यहां पर बेंगलुरु एफसी को मौका रहेगा अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए चेन्नई एफसी को हराने का या बदला लेने का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस मैच पे क्या होता है, कौन जीत सकता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा जो फेवरेट इस मैच पे रहने वाला है वो चेन्नई एफसी, क्योंकि चेन्नई एफसी का टीम बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, साथ साथ बेंगलुरु एफसी का भी स्ट्रांग है। लेकिन बेंगलुरु एफसी का जो पिछला प्रीसीजन गया वहाँ पर उनका खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मेरे दिल की बात सुने तो यहाँ पर चेन्नई एफसी शायद जीत सकता है। लेकिन बेंगलुरु एफसी अपने होम कंडीशन पर खेल रहा है, उनके पास भी मौका रहेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि चेन्नई एफसी मेरा पर्सनल मत है। तो आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पता चले। आईएसएल 5 से जुड़े डेली मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।